हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता एंड वेलकम बैक टू यूनिशाज वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी टेस्टी मिठाई जो व्रत में और बिना व्रत के दोनों तरह से खाई जा सकती है, और कमाल की बात है इसे हम बनाएंगे बिना गैस चलाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप सिकी हुई मूंगफली और इसका छिलका उतार दें। चाहे तो आप मूंगफली को गैस पर सेके या माइक्रोवेव में, बस ध्यान ये रखना है कि इसे सेकते समय टाइम और टेम्परेचर का ध्यान रखें। इसे जलने न दें और इसे बस इतना ही सेकना है कि छिलके उतर सके। अगर यह तेज सिक गई तो बर्फी में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा जो बर्फी के टेस्ट को बिगाड़ सकता है। अब हम लेंगे एक जार और उसमें मूंगफली डालकर पीस लेंगे। शुरू में तो ये पाउडर के रूप में हो जाएगा, लेकिन हमें इसे और पीसना है तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे पीसते जाएंगे और बीच बीच में मिक्सर को बंद करते जाएंगे। मिक्सर को लगातार चलाने से ये खराब हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे मूंगफली अपनी चिकनाई छोड़ती जाएगी और यह गाढ़े पेस्ट का रूप ले लेगी। देखिए कुछ इस तरह। अब हम लेंगे 4 से 5 चम्मच बिल्कुल ठंडा दूध और उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच खाने का रंग। यहाँ पर मैंने पीला नारंगी यानी येलो ऑरेंज कलर काम में लिया है। आप चाहे तो नारंगी या पीला रंग भी काम में ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला देते हैं और एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ बर्फी में मिलाने के लिए हम लेंगे 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू और इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे। और सजावट के लिए लेंगे पिस्ता कतरन। यह कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मूंगफली के पेस्ट में मिलाएंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 4 चम्मच बारीक पिसी शक्कर और 4 चम्मच ही हम लेंगे कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल का बुरादा। यह आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें मिलाएंगे पिसे हुए काजू और बादाम और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। नारियल पाउडर और इलायची पाउडर बर्फी में मूंगफली की खुशबू को बैलेंस कर देते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मिलाएंगे दूध, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें और दूध की तो जरूरत नहीं है। ये देखिए कितने आराम से इसकी मुठिया बन रही है। अब हम इसे एक सार कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा गूंथते समय करते हैं। फिर इसका रोल बनाएंगे। आप चाहें तो इसे गोल शेप में या चौकोर शेप में कर लीजिए। और सजावट के लिए इस पर लगाएंगे चांदी का वरक। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डिश टेस्टी होने के साथ साथ सुंदर भी दिखे तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। अब इसे कवर करेंगे फॉइल पेपर या क्लिंग रैप से। और इसे अच्छे से शेप में करके साइड से बंद कर दीजिए और 20 से 25 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब इसे स्लाइसेस में कट कर दीजिए। अभी हम फॉइल पेपर नहीं हटाएंगे, इससे बर्फी बहुत फिनिशिंग से कटेगी। अब इन्हें पिस्ता कतरन से सजाएंगे
और फॉइल पेपर हटा देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मिठाइयों की तरह। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें स्वच्छता, स्वाद और आपके हाथों का प्यार। तो इसे खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। एंजॉय।